गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 में लेसन वन चल रहा है और लेसन वन का एक टॉपिक है एटीपी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटीपी। बहुत पूछता है कि एटीपी क्या होता है, तो आप लोगों ने सुना होगा कक्षा 9th में आपने पढ़ा होगा माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया में ये भी पढ़ा होगा कि माइटोकांड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं और उसमें जो ऊर्जा होती है वो एटीपी के रूप में संचित होती है। लेकिन वो एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित होती है, लेकिन एटीपी होता क्या है, कैसे इसका निर्माण होता है, तो आज हम क्लास 10th में यही जानेंगे कि एटीपी अर्थात एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता क्या है। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के विषय में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए इसको नहीं पढ़ना, जो ये है इसको नहीं जानना है, हमें जानना है केवल इतना, हमें केवल इतना जानना है कि एटीपी क्या होता है। तो अगर इतना समझ गए तो हम पूरा एटीपी के विषय में समझ जाएंगे। देखिए एटीपी का निर्माण कैसे होता है, या एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण कैसे होता है, या एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का निर्माण कैसे होता है, तो ये जानेंगे। दूसरा प्रश्न है कि अगर पूछा जाए कि एडेनोसिन की राइबोशर्करा से जब एएमपी बनता है अर्थात एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बनता है तो कौन सा ऊर्जा बंद होता है, तो निम्न ऊर्जा बंद होता है। ठीक, जब डाइफॉस्फेट होता है तो कौन सा ऊर्जा बंद होता है, उच्च ऊर्जा बंद होता है। जब ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है तो कौन सा बंद होता है, उच्च ऊर्जा बंद होता है। तो इसको समझ लीजिए, ये समझ लीजिए आपको आ गया। तो चलिए देखते हैं जैसे एटीपी का निर्माण कैसे होता है। तो एडेनोसिन की राइबोशर्करा होती है, कौन सी शर्करा, एडेनोसिन की राइबोशर्करा। एडेनोसिन की जब राइबोशर्करा होती है तो उससे फास्फेट समूह का एक अणु जुड़ता है, कौन सी चीज जुड़ता है, फास्फेट समूह का एक अणु जुड़ता है। देखिए जब केमिस्ट्री में क्या होता है, जब एक अणु जुड़ता है तो उसे क्या कहते हैं, मोनो। जब दो जुड़ते हैं तो डाई, जब तीन जुड़ते हैं तो ट्राई, जब चार जुड़ते हैं अणु तब उसे टेट्रा, और जब पांच जुड़ते हैं तो उसे पेंटा। तो इस प्रकार में सुना होगा, तो जब एडेनोसिन की राइबोशर्करा से जब एक फास्फेट अणु जुड़ेगा, एडेनोसिन की राइबोशर्करा से जब एक फास्फेट अणु जुड़ेगा तो उसे क्या कहेंगे, एक को क्या कहते हैं, मोनो। तो देखिए कौन किससे, एडेनोसिन से, एडेनोसिन की राइबोशर्करा से, कितने, तो एक एक को क्या कहते हैं, मोनो, और क्या जुड़ेगा, फास्फेट। तो ये क्या हो गया, एडेनोसिन मोनो फास्फेट, क्योंकि एडेनोसिन राइबोशर्करा से जुड़ रहा है तो इसलिए एडेनोसिन। ठीक, एक होता है इसलिए मोनो, और क्या है, फास्फेट, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एडेनोसिन मोनो फास्फेट। किस बंध द्वारा जुड़ेगा, तो निम्न ऊर्जा बंध द्वारा जुड़ेगा। इसमें ऊर्जा होती कितनी है, तो 1500 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है इसमें। कितनी ऊर्जा होती है, 1500 किलो कैलोरी। जब ये बंध जुड़ता है तो 1500 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। तो पहले तो हम लोग ये समझ गए कि एएमपी का निर्माण कैसे होता है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का निर्माण कैसे होता है। तो क्या लिखेंगे, एडेनोसिन की राइबोशर्करा से जब कितना, एक क्या, फास्फेट अणु जब जुड़ता है तब काहे का निर्माण होता है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट का निर्माण होता है। और ये किस बंध द्वारा जुड़ता है, तो निम्न ऊर्जा बंध द्वारा जुड़ता है। इतना समझ गए, अब दूसरा देखते हैं, जब दो अणु जुड़ेंगे, देखिए एडेनोसिन की राइबोशर्करा से एक और दो कितने, दो। जब दो फास्फेट अणु जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एडेनोसिन की राइबोशर्करा से कितने, दो। दो मतलब डाई, क्या जुड़ेंगे, फास्फेट अणु। तो जब एडेनोसिन की राइबोशर्करा से दो फास्फेट अणु जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, एडीपी का निर्माण होगा। जैसे एएमपी था वैसे एटीपी, केवल मॉलिक्यूल कितने बढ़ गए, एक और बढ़ गया, तो कितने हो गए, वन और टू, दो हो गए। तो इसलिए क्या हो गया, ये एडेनोसिन डाई फास्फेट। ये किस बंध द्वारा जुड़ता है, उच्च ऊर्जा बंध द्वारा जुड़ता है। जब ये टूटता है तो इसके टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, 7300 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, 7300 कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। अब
जब देखिए एडेनोसिन की राइबोस रगड़ा से भी दो जुड़ा है तो क्या बना, डाई बना। और जब एडेनोसिन की राइबोस रगड़ा से जब कितने बॉन्ड जुड़ेंगे, एक दो तीन, जब तीन फास्फेट और जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एडेनोसिन की जब तीन फास्फेट और जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एडेनोसिन ट्राई फास्फेट। क्यों ट्राई क्यों, क्योंकि एक दो तीन अणु जब जुड़ गए तो क्या बन जाएगा, ट्राई फास्फेट। तो इसलिए ये एटीपी का नाम क्या हो गया, एडेनोसिन ट्राई फास्फेट। ये किस बंद द्वारा जुड़ता है, उच्च ऊर्जा बंद द्वारा जुड़ता है। इसके इस बंद के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है, 7300 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक, तो इतना समझ गए, बस यही चीज ऊपर लिखी हुई है, यही चीज ऊपर लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है, एडेनोसिन की राइबोस शर्करा से ठीक फास्फेट अणु के जुड़ने से, एडेनोसिन फास्फेट शर्करा से कितने, एक फास्फेट अणु के जुड़ने से एडेनोसिन मोनोफास्फेट बनता है। देखिए बता ही चुके आपको ठीक। फिर क्या कर रहा है, इसमें बने बंद में ऊर्जा संचित रहती है। अभी आपको बता चुके इसमें कौन से मतलब क्या संचित रहता है, बंद में ऊर्जा संचित रहती है। कौन सा बंद बनता है, ये निम्न बंद बनता है, निम्न कोटि का बंद बनता है ठीक। फिर इसे निम्न ऊर्जा बंद कहते हैं, बताई चुके आपको। फिर एएमपी मतलब एडेनोसिन मोनोफास्फेट में जब दूसरा फास्फेट ग्रुप जुड़ता है, दूसरा फास्फेट ग्रुप जुड़ता है तो इसके जुड़ने से क्या बनता है, एडीपी अर्थात एडेनोसिन डाइफास्फेट कहते हैं इसे। अब इसे इसमें कौन सा बंद होता है, उच्च ऊर्जा बंद होता है। अब क्या कह रहा है, एडीपी, तो एडीपी एडेनोसिन डाइफास्फेट से क्या जुड़ेगा, तीसरा फास्फेट और जुड़ने से क्या बनता है, एडेनोसिन ट्राइफास्फेट का निर्माण होता है ठीक। तो इसमें भी कौन सी होती है, तो देखिए एक ऊर्जा बंद ये और एक ऊर्जा बंद ये, तो एटीपी के पास कितने ऊर्जा बंद हो गए, दो उच्च ऊर्जा बंद हो गए ठीक। तो अब देखिए ये हमारे कोशिकाओं में किसका निर्माण हो गया, एटीपी का निर्माण हो गया। हम लोगों ने एटीपी पढ़ लिया। अब जब शरीर को आवश्यकता होती है तो जो एटीपी है, एटीपी पूरा किसमें टूट जाएगा, एटीपी में टूट जाएगा। और एटीपी किसमें टूट जाएगा, एएमपी में टूट जाएगा। तो इस प्रकार से जब ये बंध टूटते हैं तो इन बंधों के टूटने से ऊर्जा मुक्त होती है और नौ को ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। तो ये था एटीपी, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एटीपी, बहुत बार पूछा गया है। तो इसे आप समझिए, अगर इतना आपने समझ लिया तो समझ लीजिए पूरा आपको समझ में आ गया ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। 10 मिनट्स।